की रफ्तार। विलास, अगर तुम जिंदा भी हो तो अब यह जिंदगी तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर है। Ceyraç, आयुष्मान भव। ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए स्वामी जी। इस घर में जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा आशीर्वाद कोई नहीं चाहेगा। इस घर में जो घटनाएं हो रही हैं, मैं वो जानता हूं और तू भी जानता है। तुझे ये सारी बातें बता कर गया था मैं। मैंने होनी को टालने की बहुत कोशिश की, पर ये तेरा कर्तव्य था। विजयराज, इस घर का तो केंद्र बिंदु है, इस घर का नायक है। इस घर में जो कुछ भी होगा उससे तुझे गुजरना ही होगा। और विजयराज, तू होता कौन है होनी को टालने वाला? मनुष्य कितना भी बड़ा हो गया हो, भले ही वो चांद पर पहुंच गया हो, किंतु बाढ़ के बहाव को रोकने की शक्ति अभी तक उसमें नहीं आई। भले ही मनुष्य ने महासागरों की गहराई नाप ली हो, किंतु महासागर में उठने वाले तूफान को रोकने की शक्ति अभी तक नहीं मिली उसे। मनुष्य की शक्ति और कल्पना के ऊपर भी कोई है जो सारे विश्व को नियंत्रित करता है। मैं मनुष्य के कर्तव्य को मानता हूं, मगर उसके अंधत्व को नकारता नहीं। जहां जमीन को आकाश छूता है, वहां तक मनुष्य की नजर देखती है, किंतु उसके आगे भी जीवन है, सृष्टि है, किंतु मनुष्य ये बातों को भूल गया है। मनुष्य को अपने जीवन से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जिंदगी लेना उसी के हाथों में है जो जिंदगी देता है। इस संसार के रंगमंच की तू तो सिर्फ एक कठपुतली है। इस नाटक की शुरुआत, मध्य और समाप्ति तो पहले से ही लिखी हुई है। जो सच है उसे स्वीकार करो, अपने मन की शक्ति बढ़ाओ। अब तक तो तूने कुछ सहा नहीं है, परीक्षा अब शुरू हो रही है। मैंने जो कहा था वही हो रहा है और वही होगा। और जो मैंने कहा था वह तो विधि लिखित है,
विजयराज, विलासराज जीवित है। जी कहते हैं हमारा विला जिंदा है। हाँ, अब बहुत जल्द वो लौट कर आने वाला है, और तब तुम्हें जीवन की अग्नि परीक्षा में उतरना होगा। यदि अब हिम्मत हार गए तब तुम क्या करोगे? हाँ, सच 100% जिंदा है, और उसके आने का समय समीप आ रहा है। मेरा समय भी पूरा हुआ, मैं चलता हूं। शुभम हो। विजय, हमारा विला जिंदा है, हमारा विला जिंदा है। पर तू इतना परेशान क्यों है रे? मेरी परेशानी की वजह उस लेटर में। क्या सोच रहे योगेश?
सोच रहा हूं विशाल, कब तक इस तरह घर में बैठा रहूंगा? मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। तुझे किस बात की चिंता है दोस्त? तेरा बिजनेस का स्किल अच्छा है, तू कहीं ना कहीं अपनी दुनिया खड़ी कर लेगा। इतना भरोसा है तुझे मुझ पर? बिल्कुल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू। ठीक है विशाल, अब देखना मैं अपनी एक नई दुनिया बसाऊंगा। भाई तू तो अपनी दुनिया बसा लेगा, लेकिन मुझे दुनिया के इस कोने से दूसरे कोने में जाना है। फ्लाइट है तेरी। ऑब्वियसली, आई सी यू, बाय, ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। निकिता, निकी, निकी, ओ आप, पूछ सकता हूं कौन आया यहां? एक भाई या समाज के हितों का रक्षक, पाप और पुण्य का फैसला करने वाला? नहीं योगेश, समाज का रक्षक तो मैं कल तक था, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज एक भाई अपने बहन के पास आया योगेश, नितिन, निकिता कहाँ है? वो अभी अभी अपनी सहेली कविता के घर गई है। मैं फोन पे बात कर सकता हूँ? श्योर। हेलो, हेलो निकी। भैया, भैया कहाँ से बोल रहे हैं आप? निकी मैं तुम्हें मिलने योगेश के यहाँ आया था। निकी तू खुश तो है ना? हाँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दो निकी। भैया हमारा रिश्ता ऐसा तो नहीं कि माफी मांगे और दी जाए। आप मेरे भाई हैं, कान खींच सकती हमें। निकी मुझे मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया। निकी मुझे माफ कर दो। ओके बाय निकी, टेक केयर, बाय। योगेश अगर तुम्हें रहने का कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आकर रह सकते हो। नो थैंक्स नितिन। नितिन तुमने डैड को हमारी शादी की खबर दे दी? हाँ योगेश, जो कुछ भी हुआ मैंने एक खत लिखा है उन्हें, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उनका। उनका रिएक्शन मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। नहीं योगेश ऐसी बात नहीं है, कल तक मैं इसके खिलाफ था, आज मैं तुम्हारे साथ हूं, शायद उनका भी माइंड चेंज हो गया होगा। पूछ लेते हैं फोन करके। हेलो। हेलो विजयराज जी हैं? वो तो हॉस्पिटल गए हैं। अस्पताल क्यों? बा को तो हार्ट अटैक आया हुआ है सर। व्हाट, कौन से अस्पताल में? वैसी ओ क्या हुआ नितिन? योगेश बा को क्या हुआ? बा को योगेश बा को हार्ट अटैक आया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ओह गॉड। जी चिंता करने की कोई बात नहीं, आपकी माता जी खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर।
नमस्कार विजयराज जी। कैसी तबीयत है बाकी? अब बस अभी भी होश आया, सो रही है। आई विजयराज जी, मुझे अभी अभी पता चला, लेकिन ये सब हुआ कैसे? शायद निकिता और योगेश की शादी का सपना।